परेशान मत हो, सब्जियां कट गई है। कोई तुमने को मैं सिंपल बात में सिखा दूंगा, मेरे सामने सिर्फ भक्ति आ रही है, कोई देवता या कोई देवी या कोई मतलब वो जो आपके अच्छे मैं वो खड़ा हुआ दिख रहा है। चार कृष्ण जी की भक्ति करते हो, चार नारायण जी की भक्ति किसी भी करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ मेरा देवता बता देगा मैं वो करूँगा, जहाँ मेरे देवता ने मना कर दिया मैं आत्मा मना करूँ। आप किसी भक्ति कितने साल से करते हो, पता करें कितने साल से करते हो, 2001 से भक्ति कर रहे हो आप, क्या आपको कभी उनके दर्शन प्राप्त हुए? एक बात बताना, हमारी हरियाणा बोलते हैं कि अपना घंटा मजबूत हो तो कौन सा पानी दे, अपना घंटा मजबूत हो तो कौन सा पानी दे। जब आपकी भक्ति 23-24 साल पुरानी है तो किसमें हिम्मत जो आपके ऊपर कर दे, अगर आपकी भक्ति मजबूत है तो आपके ऊपर कोई भी क्रिया या कोई भी देवता देवता नहीं दे सकता। यानी आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं चोट था तभी तो आपके ऊपर दे। आपका शरीर ऐसे ही तो बंधन में हुआ, अरे जब क्रिया करता है उसको बंधन ही बोलते हैं महाराज, जब शमशान में जाके क्रिया करते हो तो उसको बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन कर दिए, क्रिया कर दी, ओपरा कर दिया, ठीक है ना, गाल छुड़वा दी, उसको ये बोलते हैं। आप बीमार क्यों भाई? अगर आप पूजा पाठ करते हो आपके ऊपर देव कृपा है तो आप बीमार क्यों? आपको तो बीमार नहीं होना चाहिए। देवी को हटवाओ, मेरी प्रार्थना है गुरु जी से जाके आप कहो कि उन्होंने तो माता काली बताई है, जो हमारे किसी भगत के साथ जिनका शौक थी उसके द्वारा हमारे पे किया गया है। छोटी सी बात कर देना, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में जो भी समस्या होगी तो जाएगी, आपका पूजा पाठ में जो मन नहीं लगता वो लग जाएगा। और कुछ मेरे लायक हो अपने आप को प्रधानमंत्री का वो मान लोगे क्या मेरी बात? वो अपने आप को पता क्या बोला कि वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण जी की भक्ति है, वो भाई कभी दर्शन नहीं दिए 23 साल में, और जब ठीक है भक्ति कर रहे हो तो आपके ऊपर भूत प्रेत क्यों? दिमाग बांध कर सुख खत्म करके इसको बोलते मेंटल कर देना, पागल कर देना, थोड़े समय में ऐसी हरकतें हो जाएगी, अपने आप ही खाने खाना लग जाना, अपने आप ही खड़े होकर चले जाना, अपने आप ही घूमने चले जाना, अपने आप ही बड़बड़ाने लग जाना, ऐसी कंडीशन करवाने के लिए ऐसी हो रही है ना। अब ये बात तो मुझे किसने तुमने तो बताई नहीं ना, देखो जो नहीं मानेगा अपने लिए, मानेगा अपने लिए, रोटी खाएगा अपने लिए, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा भक्त आपको सीधा रास्ता देना। तो फिर तू डेरे पे सेवा क्यों कराया फिर, तो तू पागल है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी स्थान पे जाता हूँ और मैंने कहते चोरी कर रखी, मैंने चोरी नहीं करेगी, मैं क्यों लाऊंगा फिर भैया? बस तो फिर तू साफ है ना, माता इतना समय नहीं मेरे पास, इतने व्यक्ति और बाहर बैठे हैं, मैं बात नहीं करूँगा। तीसरी बार आई है, 8 बार के बाद है, उसके बाद चेक होता है। माता पहले दवाई तो प्रॉपर खा ले।